से क्या कहलाता है, मैं अभिमन्यु और अक्षरा के एक दूसरे से मिलने का वक्त तो अब कोई नहीं टाल सकता है। उनको एक दूसरे के सामने आना है तो बस आना है, और इस तरह आना है कि एक दूसरे के होश भी उड़ा देना है। भाई अब हम देखने वाले हैं कि जहां पर जो राज है, मतलब अभिमन्यु और अक्षरा का पिछला राज, वो अभिनव के सामने तो है ही और ना ही अभी के सामने आया है, लेकिन कब तक, आखिरकार कब तक अभिमन्यु और अक्षरा एक दूसरे के सामने होने के बावजूद भी एक दूसरे का जो सीक्रेट है, मतलब पास्ट लाइफ है, वो छुपाते रहेंगे। धीरे धीरे करके कोई ना कोई हिंट बनकर तो अभिनव के सामने आ ही जाएगा, और जब आएगा अभिनव के सामने कि अभिमन्यु और अक्षरा तो हस्बैंड वाइफ थे, तब क्या होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अभिनव जो है वो अब अक्षरा को पसंद करने लगे हैं और अपनी वाइफ भी बनाना चाहते हैं, लेकिन उनसे किया गया वादा उस पर हावी हो जाता है और इसीलिए वो इस बात को अक्षरा जी तक पहुंचा नहीं पाते हैं। तो वही अब हम देखने वाले हैं कि जहां पर धीरे धीरे करके अभिमन्यु और अक्षरा जब एक दूसरे के सामने होंगे तो थोड़े थोड़े हिंट ऐसे सामने आने वाले हैं अभिनव के कि इनका कुछ तो कनेक्शन है। हालांकि वो उस समय वो उस बात को समझे या इग्नोर कर दे, ये उन पर डिपेंड करता है। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या एक बार मिलने के बाद अभिमन्यु वापस से मिलने आएंगे अक्षरा से, या फिर बस इसके बाद तो वो फिर से अक्षरा की शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। चाहने के लिए साहब उसके शरीर से अकलाता है दिख रही मेरे साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट्स के लिए यही जगह रहे। स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।